वेलकम फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या यूपीपी या फिर एसएससी या कोई भी एसआईआरपीएफ की परीक्षा देने वाले हैं, सभी के लिए एकदम संजीवनी है ये। बस ध्यान से देखना और पूरा देखना। नीति आयोग और योजना आयोग, दोनों नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका काम जो है लगभग एक ही है और ये एक दूसरे का ही नाम है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 1950 में हो गई थी। 1950 मतलब बोलें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके कुछ अपने प्रमुख कार्य थे और इसको लेकर के इसकी स्थापना भारत में किया गया था। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार यानी कि माननीय मोदी जी की सरकार ने 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। और इस दशा में जब नाम बदला है तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है, यही हम आपको दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, नाम के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और पूरा वीडियो देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा, सब कुछ आएगा और एक दो नंबर आपको आपके हर एक एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर मिलेंगे। नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था मतलब नीति आयोग जो है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और जो योजना आयोग है इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। मतलब समझ गए, यानी कि इसे सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का दर्जा नहीं मिला था। ये क्या करता था? संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। किस पर था? सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। लेकिन जो नीति आयोग है यह सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है। आगे अगर देखिएगा तो योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। योजना आयोग के जो वार्षिक बैठक होती थी उसमें जो और राज्य हैं इधर उधर के उनकी बैठक बहुत कम रहती थी भागीदारी। और लेकिन नीति आयोग में यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। अभी इतना ही नहीं, आगे भी देखिएगा। आगे देखिए, आपके सामने कुछ और भी अंतर आ चुके हैं। योजना आयोग सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति किया जाता था। योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था लेकिन नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। पहले इन सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था लेकिन अब प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। क्या करता था? टॉप डाउन अप्रोच पर। लेकिन नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। योजना आयोग यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। एक बार फिर से देखना, योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग नीतियों लागू करने का अधिकार नहीं है, मतलब इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, ये नीतियां नहीं बनाता है। आगे देखना, योजना आयोग इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी, इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं। मतलब कि अब जो धन आवंटित करने की शक्तियाँ हैं वो वित्त मंत्री में निहित हैं, पहले वो योजना आयोग में भी निहित होती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि नीति आयोग और योजना आयोग में काफ़ी अंतर हो चुका है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो हाल ही में बदलाव हुए रहते हैं, भले वो 2-3 साल पहले हुए हैं लेकिन ये बहुत मुख्य बदलाव है। इसके अलावा अभी जल्दी में ही वर्तमान सरकार ने RTI में भी बहुत बड़ा संशोधन कर दिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल सकता है, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लेना जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आपके दिल में कोई सवाल चल रहा है इससे संबंधित, तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। एक बार फिर से धन्यवाद। उसके पहले अभी तक अगर आपने PBR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं ऑन किया तो कर लीजिएगा जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।